चलते हैं। क्या सजा के रखे हो आपको? आज लगा हो ही ना तबे फूले है साली है लग लगा है वो में दवाई दवा है अब झिल्ली मन में है वो नहीं झिल्ली में लगा लदा बाजार से। अरे वाह बढ़िया। अच्छा दूर दूर से सब जन आते हैं राज्योत्सव में। हां है नहीं अरे नहीं वो स्टॉल का तो मेरे को करना है।
उधर से आ जाएंगे सर, इधर से मैम उधर से आ जाए वाला अम्बस्टर वाला नहीं खाए आपके खाए कर रहे हो अभी हम हॉर्टिकल्चर के उद्यान पे आए हुए हैं जहाँ पे मैडम हमें यहाँ की जो स्पीशीज लगाई गई हैं जो चीज़ें हैं उनकी जानकारी जो है वो उपलब्ध करा रही हैं। आपका नाम मैडम? मेरा नाम विनीता वर्मा है, मैं उद्यान विकास अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ, बाना फार्म पे मैं देख रेख करती हूँ। इस मेले पे हमने जो हमारे मुख्यमंत्री जी की सुराजी जो ग्राम योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी उसमें से बाड़ी को दिखाने की कोशिश की गई है, जीवंत प्रदर्शन किया गया है। इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं, जैसे किसान फेंसिंग क्या क्या लगा सकता है जिसमें उसको खर्चा ना आए, जीवंत फेंसिंग हमने दर्शाया 26 प्रकार के, जैसे कि बाँस का, बबूल का, बेर के कांटे का और बेशरम की लकड़ी का, जो इसको इजी अवेलेबिलिटी हो सके जिसमें उसको खर्चा ना लगे, इस तरीके से हमने फेंसिंग दिखाई है। साथ ही देख सकते हैं हम लोग एक डबरी भी बनाई हुई है जिसमें हमने मत्स्य पालन दिखाया है। इसके साथ साथ सब्जी, फल, फूल, कंद वर्गीय मसाले जिसमें किसान को साल भर में कुछ ना कुछ आमदनी आती जाए, इस तरीके से हमने बताया गया। और बाड़ी जो हमारी लुप्त होते जा रही है उसको बचाए रखने का अधिक प्रयास किया गया है। ये सारी जो बीजें हैं सब देसी है जो किसान के पास होती ही है, वो संरक्षित कर करके रखता है, ये लुप्त ना हो जाए इस परंपरा को हम आगे चलाने की इसमें कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। लगभग जो हमारी पुरानी जो परंपरा थी उस परंपरा को ध्यान में रखते हुए और उसको मॉडर्नाइजेशन करते हुए सभी चीज़ों का सदुपयोग करते हुए इस प्रकार मुख्यमंत्री ने लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया है और एक ये बहुत सराहनीय प्रयास है, हम इसकी सराहना करते हैं। मैडम धन्यवाद। बने हुए गमले हैं, उस गमले के ऊपर में महिलाओं की जो क्रिएटिविटी है वो आप देख सकते हैं, मैडम ने उसमें करके क्रिएटिविटी से और देखिए कितने सुंदर डिज़ाइन किया है। ये हमारा पूरा छत्तीसगढ़िया डिज़ाइन है,
इसको छाप बोलते हैं ये वाला, तो मैडम ने इसको बनाया है, बहुत सुंदर लग रहा है मैडम। और ये अपनी संस्कृति की एक बड़ी अच्छी सी झलक आपने इसमें पेश की है, उसके लिए आपका धन्यवाद और आपकी क्रिएटिविटी को भी धन्यवाद। ओके थैंक यू मैडम। नदियों का अस्तित्व तटों के कटाव नहीं होने से बरकरार रही है। नाव तट वृक्षारोपण का नदी तट वृक्षारोपण को आम जनों से जोड़ने के लिए वन विभाग ने एक विशेष योजना के रूप में लोगों के पारिवारिक कार्यक्रम जैसे छठी स्मृति विवाह वर्षगांठ जन्मदिन को यादगार बनाने के फलदार वृक्षारोपण विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। सरकारी कार्य लिए जो नदी थी जिसमें पेड़ लगने के कारण हमारे गांव का जो नदी कटाव होता था वो डूब गया है। और हमें हर साल होते हैं हमारे जिस गाँव के यहाँ लड़का देखने जाते हैं तब से लगते हैं हर गाँव देखते हैं तो गाँव के यहाँ घूमने के लिए आते हैं। अच्छा रास्ते बात नहीं कीजिए इसे रोकने के लिए कितना वन क्षेत्र है, कितना राजस्व क्षेत्र है, कितना किसानों का भूमि है। तो जहाँ वन क्षेत्र और राजस्व भूमि है वहाँ पर हम कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट के अंतर्गत अच्छा रोपण कर रहे हैं। जहाँ पर किसानों का किसानों की जमीन है वहाँ पर हम किसानों को इसके लिए शिविर लगा करके उनको मोटिवेट करेंगे कि वो भी अपने एग्रीकल्चर फील्ड में अपने खेत में जिसमें फलदार वृक्ष सीरस